हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल घंटी का बटन दबाना। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें कान्हा जी का अभिषेक करना बताया था मैंने, पर उसमें मैंने इसलिए आरती और दीपक लगाना नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम पे 11 बज रहे थे और उनका जन्म नहीं हुआ था। इसलिए 12 बजे का टाइम है तो मैंने उस टाइम पे तो आपको पूजा करने की विधि बताई थी। अब दीपक और हवन करने की विधि बता रही हूँ। छोटा से ये हवन तो बस अपने पास जो हवन की सामग्री है वो बाजार में मिलता है पंसारी की दुकान पे, तो आप ले सकते हो। वो अपन जैसे छाड़ा लेके और उसको थोड़ा सा आग बना लो। आग बनाने के बाद उसमें जो तली जो भी है आपके पास बाजार में मिल जाता है हवन करने की सामग्री, तो आप उससे हवन करो। और हवन करने के बाद थोड़ा सा उसमें हवन में घी डालो। तो ये मैंने घी डाल दिया है और थोड़ा सा खीर भी डालते हैं उसमें, थोड़ी सी अपन पूरी को भी डाल देते हैं हवन में, और थोड़ा सा अपन कुमकुम का तिलक करते हैं हवन का, क्योंकि वो भी अग्नि देव है, इसलिए अपन को हवन का पूजन करना चाहिए और उनको अग्निदेव को थोड़ा सा जल भी पिलाना चाहिए, क्योंकि और अपन मंत्र बोलेंगे। मेरा तो कुछ भी मंत्र नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र कान्हा जी को बोलने के लिए अच्छा है, ये मंत्र कान्हा जी को बहुत पसंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पालने की झुलाने की सामग्री पूरी हुई और अब आरती करना है। Thank you.
कुछ भी कमी रह गई है उसमें सफा करना।